नारनौंद में दो बिजली कर्मचारियों पर नाजायज एफआईआर दर्ज करवाने व निगम मैनेजमेंट द्वारा उन्हें सस्पेंड करने के खिलाफ विरोध धरना तीसरे दिन भी जारी रहा। कर्मचारियों ने धरने के साथ साथ निगम प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी भी की। कर्मचारी नेता राजेश कुमार ने कहा कि बिजली निगम मैनेजमेंट लगातार कर्मचारी विरोधी फैसले ले रही है। वहीं बिजली निगम नारनौंद के एसडीओ कृष्ण कुमार ने कहा कि कर्मचारी अपने द्वारा किए गलत कामों की वजह से इन पर हुए एफआईआर व सस्पेंड होने तथा डिपार्टमेंटली इंक्वायरी से डरे हुए हैं, इसलिए हम पर दबाव बनाने की कोशिश कर रहे हैं। हमारा धरने का तीसरा दिन है और हम यहाँ पर धरने में हमारे जो नारनौंद एसडीओ है इसने बहुत ही गलत नाजायज तरीके से हमारे दो साथी सस्पेंड करवाए गए, उसके आवाज में हम यहाँ बैठे हुए हैं और हम इस एसडीओ साहब से अब भी नम्रता से अपेक्षा करते हैं कि ये अपनी जो एफआईआर झूठी एफआईआर जो वापस ले ताकि हम अपना काम सुचारू रूप से कर सके और हमारे कृषि किसान सभी साथी परेशान हैं और ये जो एसडीओ है इन बात को समझे और अपनी हरकतों से बाज आए। अब ये जो है हमारा जो धरने का है यहाँ पर हम जब तक हमारी मांग नहीं मान जाती हम अपने धरने को काम मतलब टूट पैल डाउन सब कुछ बंद कर देंगे। अब तो हम अब कुछ थोड़ा बहुत काम कर लेते हैं ताकि हम हमारे किसान भाइयों को हमारे साथ जो उनका पता है कि भी बैड डिसीजन आया हुआ है और हम किसी प्रकार की कोई बाधा नहीं डालना चाहते, लेकिन यदि हमारी इन मांगों को मांगा नहीं गया तो हम और अपने धरने को और अलग तरीके जो ऊपर से कॉल आएगी उसके अनुसार हम आगे बढ़ाएंगे। क्या समस्या है? धरना प्रदर्शन इसलिए कर रहे हैं क्योंकि इलीगल कार्य करते हुए एक तो जयवंत जिसका नाम रमेश देशवाल था और जो है उसके साथ जो है राजवीर जो यहाँ पे ओनर है उसके सामने एचपोल खड़ा था तो उसके साथ इलीगल एक्टिविटी करते हुए जो है ये मिले हैं, उस कारण ये एफआईआर दर्ज करवाई थी और जो है उसमें नोट पाए गए हैं ये लोग और फिर उसके बाद जो है ये लोग बाय प्रेशर जो है अनड्यू प्रेशर कर रहे हैं ताकि जो है वो ये मामला जो है ये मतलब कि दब जाए किस तरीके से। क्या मामला ये था कि मेरे पास फ़ोन आया था एसडीओ साहब का सुशील कुमार जी, एक मिनट रुकिए, तो सुशील कुमार जी का फ़ोन आया था मेरे पास जो यहाँ पहले एसडीओ रह चुके हैं तो उन्होंने बोला कि यहाँ एच पोल को ना वो खड़ा जा रहा है राजवीर के आगे से, तो मैंने अपने बंदे भेज दिए बलवान, उन्होंने बोला कि बलवान को पता है, मैंने बलवान को बुलाया तो बलवान ने बोला कि जी वहाँ हो रहा है, तो बलवान को और मैंने संजय को यहाँ से भेजा तो वहाँ पे उस टाइम हाइड्रा थी और तीन चार उनके बंदे थे लेबर के तो उसको वो उठवा रहे थे पोल को एच पोल को, तो उसको उनको लेके जो है वहाँ पे थाने ले गए। उसके बाद मेरी इस हिसाब से बात हुई कि ऐसे ऐसे जो इलीगल काम करते ये जो है पाया गया है राजवीर, तो बोले कि इसमें इंक्वायरी ढंग से करवा ताकि जो इसका पता चल सके। फिर अगले दिन मैंने इंक्वायरी की है तो उसमें ये पता लगा है कि यहाँ पे एक ट्रांसफार्मर था जो वहाँ पे सोर्स है वहाँ पे कॉलोनी में, तो उन्होंने ये कहा है कि ये फरवरी में ट्रांसफर उतरा है यहाँ से, ठीक है, और अभी एच पोल यहाँ से खड़ा जा रहा था ताकि ये ओवरऑल गायब ही कर दे इसको एच पोल को, और जो इसकी फिटिंग है मेरे को लेबर ने बताया, एक बोलू लेबर वाला है जो सुरेश अंडर काम करता है कि जी इसकी फिटिंग वहाँ बिचपुर वहाँ पर काम हुआ वहाँ पर लग रही है और वो जो फिटिंग लग रही है वो बिना किसी एस्टिमेट के डिसमेंटलमेंट का एस्टिमेट बना के और जो है ना इलीगली वहाँ लगा दिया गया और वहाँ पे जो है जिसको जहाँ पे लगा है वहाँ पे ये कंज्यूमर को दुखी कर रहे हैं, उसकी तार काट रहे हैं बार बार, उससे जो डिमांड कर रहे हैं उसने भी वहाँ पे एसडीएम साहब के पास एप्लीकेशन दी हुई है एक, उसमें एक बिचौलिया है, बिचौलिया जो है एसडीओ को बदनाम कर रहा है कि ऐसे ऐसे काम करवाना है ऐसे ऐसे जो है इतना जो है मतलब कि डिमांड कर रहा है वो एसडीओ के नाम पे, तो ये सारा एक ये पूरा एपिसोड है। अब इस दो डिमांड के पीछे जो इनकी मुख्य डिमांड है ना जो इसमें ये साथ दे रहे हैं करप्शन का साथ दे रहे हैं तो इसके पीछे उन्होंने मेरे को एजेंडा दे दिया, इनको मैंने नोटिस का जवाब दे दिया पहले तो, ठीक है, उसके बाद उन्होंने दोबारा एक नोटिस और मेरे को दे दिया, उसके बाद फिर मैंने उसका जवाब दे दिया नोटिस, अब उन्होंने फिर दोबारा मेरे को तीसरा नोटिस दे दिया, हालांकि मैं उसमें लिख रहा हूँ आप डिस्कस कर सकते हो और जो दो है वो प्रोसीडिंग चल रही है, एक पुलिस चल रही है प्रोसीडिंग, ये चलिए अपनी डिपार्टमेंट प्रोसीडिंग्स, तो वो तो अपना काम कर रहे हैं, बाकी जो इनकी समस्याएं हैं पहले भी सॉल्व करता है उनमें जैसा भी हमें मिला है, उसके बाद जो है मैंने के बंदे भी शहर में दिए हैं दो बंदे एडजस्ट करके, ठीक है, तो धीरे धीरे हम उसको एडजस्ट करते जाने लग रहे हैं इस समस्याओं को, लेकिन ये तो एक प्रीटेक्स्ट है, ये तो इसके पीछे जो इन दो डिमांड के जो इलीगल डिमांड है इसके पीछे इन्होंने जो है इस जो 10-12 जो इनकी जो है डिमांड से वो लिख दी गई है ताकि किसी तरीके से प्रेशर में आ जाएँ दबाव में हो जाएँ और ये अपना ये केस उठवा लें। करप्शन के मुद्दे को आप इतना जोर शोर से उठाओगे और साथ दोगे तो देखो ये चीज़ ठीक नहीं है, कोई तो रिस्पॉन्सिबिलिटी लेगा इसको ठीक करने की, ठीक है भाई, प्रोसीडिंग चल रही है उसके लिए इलीगल काम के लिए, ठीक है, तो इनको उठना चाहिए यहाँ पे धरने, ये तो फिर तो जबरदस्ती बैठे हुए हैं, ये गलत बात है बिल्कुल। कुछ अधिकारी मैं करवा चुका हूँ, मैं लेटर लिख चुका हूँ अपने एक्स साहब को, एस साहब को और चीफ साहब को।